गाइस कैसे आप सब, वेलकम टू आवर चैनल हिंदुस्तानी मेंबर। कैसे आप सभी, और मैं आपसे आचार बनने के लिए लिया कि चैनल पर शाउट आउट भी दूंगा। अगर शाउट आउट का मतलब आपको नहीं पता तो छोटे से मतलब मैं समझा देता हूँ। शाउट आउट का मतलब बस इतना ही होता है कि अब आप मेरी जैसे ये वाली वीडियो है तो फिर इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखो, और नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो में लिखो प्लीज गिव मी शाउट आउट प्लीज, ऐसा लिखो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी का नाम लेंगे जिसने ये सब लिखा है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन एक बहुत छोटा सा अद्भुत उपाय हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। उस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में चली आ रही हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। खासकर विद्यार्थी लोग यदि उस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से उनके विद्याधन में उनको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, और यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छी नौकरी उन्हें प्राप्त होगी। तो इस छोटे से उपाय को गुरु पूर्णिमा के दिन करें जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रो, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है। जो हमारे जीवन में असमंजस की स्थितियां रहती हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमने यह मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया है, इन सब चीज़ों से वो अवगत कराता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तम सोमा ज्योतिर्गम है। तो सबसे पहला गुरु तो हमारा माँ होती है, माता पिता जो है वो प्रथम गुरु होते हैं। इसके पश्चात जो हमें शिक्षा देते हैं और जो अध्यात्म में हमें उन्नति कराते हैं अध्यात्म की, वो हमारे सब पूजनीय गुरु होते हैं। यह पर्व वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे हमारे भारतवर्ष में 10 प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें गुरु पूर्णिमा, श्रावणी, पितृ अमावस्या, विजयादशमी, दीपावली, गीता जयंती, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली और गायत्री जयंती। ये 10 जो त्यौहार हैं वो प्रमुख त्यौहार हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है। इस दिन जो खासकर गायत्री परिजन हैं, जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, उन साधकों को चाहिए कि शांति कुंज जाकर के वो पूज्य गुरुदेव का दर्शन करके आएं, और जिन लोगों ने हमारे माध्यम से पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु वरण किया है वो कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप राशि शांति कुंज हरिद्वार जरूर भेजें। यदि उनको अकाउंट नंबर की ज़रूरत है तो वो हमारे व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करें, शांति कुंज का हम अकाउंट नंबर उनको दे देंगे। तो इस दिन गुरु को याद करने का दिन है, चिंतन करने का दिन है कि हमने क्या पाया क्या खोया, और गुरु के चरणों में बैठने का दिन है। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस दिन आपको लेना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इस वर्ष जो है गुरु पूर्णिमा का त्यौहार 24 जुलाई को मनाया जा रहा है। तो उस दिन आपको क्या करना है, जो हम छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में ब्रह्म मुहूर्त में आपको सो करके उठना है, और पीले वस्त्र आप धारण कर लें, पूर्व मुख होकर के आप बैठ जाएं अपनी पूजा स्थली पर, और एक छोटा सा आप कटोरा ले लें, किसी भी धातु का बना हो, एक कटोरा आप जो है अपनी पूजा स्थली के सामने रख लें। उसमें 7 मुट्ठी, यानी मुट्ठी यानी ये ऐसी मुट्ठी भर के 7 मुट्ठी आप उसमें चने की दाल डाल दें। उसमें 7 बूंद जो है आप गंगा जल की टपका दें। 7 चुटकी यानी ये 7 चुटकी उसमें आप काली तिल डाल दें, और एक मौली धागा यानी ये इसको जो है अपने नाखून से लेकर के पैर के नाखून से लेकर के सिर तक उसको नाप लें और तोड़ करके उसको उसमें रख लें। इसके पश्चात में उस सामग्री को रख करके एक घी का दीपक जला करके, जो नियमित रूप से आप
गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तीन माला आप कम से कम गायत्री मंत्र का जाप कर लें। जो तीन माला से ज़्यादा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक माला का जाप करते हैं वो उस दिन जो है तीन माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें। और फिर उसके पश्चात में उस सामग्री को, जब आपका घी का दीपक शांत हो जाए, तो फिर उस सामग्री में से जो आपका कलावा है, यानी ये कलावा, वो कलावा आप अपने हाथ में बांध लें। और उसके पश्चात में बाकी सामग्री को जो है आप सफ़ेद गाय यदि मिल जाती तो बहुत उत्तम है, अन्यथा लाल गाय या जो भी रंग की गाय है उसको आप खिला दें उस सामग्री को। खासकर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको यदि आप वो कलावा बांधते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई में मन लगेगा और पूरे वर्ष भर जो है उनको लाभ होगा। बच्चों के हाथ से जो है आपको पाठ्य पुस्तक सामग्री भी किसी को दान कराना चाहिए। इस दिन बच्चों को आप विद्यारम्भ संस्कार भी करा सकते हैं, अपने घर में हवन इत्यादि करके बच्चों का आपको विद्यारम्भ संस्कार इस दिन आपको कराने चाहिए तो अति उत्तम रहेगा, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, एक छोटा सा उपाय आज हमने आपको बताया, इससे आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए त्यौहार बनाए हैं ताकि व्यक्ति किसी प्रकार से कोई भी परेशान होता है तो उन त्यौहारों में आकर के यदि कोई उपाय करता है, पूजा पाठ करता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन की कई समस्याओं का समाधान होता है। तो इस उपाय को आप करें, छोटा सा उपाय है। जो विवाहित महिला हैं उनको कलावा जो है बाएं हाथ में बांधना है, और जो अविवाहित हैं, जो बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको दाएं हाथ में बांधना है। और पुरुष तो दाएं हाथ में बांधते ही हैं, तो पुरुषों को दाहिने हाथ में, जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है उनको दाहिने हाथ में कलावा बांधना है, और जिनकी शादी हो गई है उन बहनों को जो है बाएं हाथ में कलावा बांधना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आशा मित्रों, यह उपाय आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा, और इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, तो ये देखिए, ये है हमारे, क्या कहते हैं उसको, ये मेरे चैनल का नाम, तो ये ही है हमारे चैनल का नाम, और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम आपने देखा बिग बॉस लिखा ना, यहाँ बिग बॉस सीजन 1, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके, टाटा बाय बाय। अब